शाकिर सर हमेशा हमेशा की दुआओं में तमाम की दुआओं में और तश बुरदार खुशी आज तशरीफ जो और मुद मोहम्मद रफी सर यूएस मोहम्मद सेक्रेटरी आज तुम्हारी माफी का सबूत तकरीबन भी बढ़ने से अंदरों फिर के स्मृति करी ज्यादा मीटि करे से या गर्भिन तो शुक्र सुनसा तो स्मृति ही गर्भों की बताया जिन प्रोसेस आज नॉर्थ कश्मीर में जो स्कूलों की मीटिंग हो रही है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा बारामूला और बांडीपुरा से जो स्कूल आए हैं और सबके सब जितने भी बड़े चैन हैं जितने भी इकॉनमी स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या बड़े स्कूल्स हैं तो सब के सब आज की इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। इसमें जो सरकार की तरफ से हालिया जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं जिन अमेंडमेंट्स की वजह से अब स्कूल चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, खासकर रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अब कश्मीर के स्कूलों को मैंडेटरी CBSE एफिलिएशन रखनी है। अब हमें मालूम नहीं है कि सरकार का इस आर्डर से क्या मतलब है, क्योंकि इससे पहले रूल ये था कि सिर्फ CBSE स्कूल वहीं अलाउड था जहां पे 50% से ज़्यादा सरकारी मुलाजमों के बच्चे पढ़ते हों, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरे कश्मीर में स्कूलों को CBSE की एफिलिएशन लेनी होगी। ये राइट टू फ्रीडम के ख़िलाफ़ है। सीधी सी बात है, स्कूल की चॉइस है वो किस बोर्ड के साथ अपने आप को एफिलिएट करे और पूरे इंडिया में यही हो रहा है। अब सीधी सी बात है, कश्मीर इंडिया से बाहर तो है नहीं। हम कहते हैं कि जो कानून दूसरे रियासत में है आप वही कानून यहाँ भी लागू कीजिए, यहाँ से अलग कानून बनाने की ज़रूरत क्या है। और दूसरा उसके साथ जो रिसेंटली स्टेट लैंड का इशू आ गया कि जो स्कूल स्टेट लैंड के उनको कहा जा रहा है कि हम आपको RR इशू नहीं करेंगे, आपको टैग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। हम गवर्नमेंट से ये अर्ज़ करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, आप बताइए पूरे इंडिया में कहाँ पे स्टेट लैंड वाले स्कूल नहीं है। दिल्ली की बात कर लीजिए आप किसी भी स्टेट की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, असम की, किसी भी स्टेट की बात कीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्कूल सरकारी लैंड पे चलते हैं और इसमें सरकार उल्टा एनकरेज करती है, हैंड होल्डिंग करती है, उनको बोलते हैं ये एडेड स्कूल है। लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर स्टेट लैंड पे स्कूल है तो हम उसको बंद करेंगे। रिसेंटली हमारी मुलाकात प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से हुई, हमें खुशी है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बहुत ही प्रोएक्टिव अफसर हैं, वो चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम कायम रहे, वो चाहते हैं कि स्कूल बंद ना हों। लेकिन अब रिसेंटली जो ये टैगिंग का मामला आ रहा है कि स्कूलों को टैग किया जाएगा, हमें खुद भी मालूम नहीं था, लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च की, पूछा लोगों से कि टैगिंग के क्या असरात होंगे, तो टैगिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्कूल बंद हो जाएंगे। अब जब इस किस्म के स्कूल बंद हो जाएंगे तो तकरीबन 2-3 लाख बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स सामने आए हैं, हर एक जानता है कि प्राइवेट स्कूल्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, खासकर उन हालात में जब हम 1990 की बात करते हैं, मिलिटेंसी के दौर की बात करते हैं, जब स्कूल जल गए, जब पुल जलाए गए, तो उस वक्त हालत यह था कि स्कूली निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका था। तो ये प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने किसी तरह से तालीम की इस मशाल को रोशन रखा, तालीम की इस मशाल को जलाया रखा, अदरवाइज़ मिलिटेंसी के दौरान तो बिल्कुल जो है हालात ऐसे बने थे कि हमारे बच्चे सड़कों पर आए थे, स्कूल जल गए थे। आज इन स्कूलों को रिवार्ड देने के बजाय, आज इन स्कूलों को एनकरेज करने के बजाय, आज इन स्कूलों को हैंड होल्डिंग करने के बजाय आप कह रहे हैं कि आप सरकारी ज़मीन पे हैं। और ये सरकारी ज़मीन का कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहूँगा कि ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, ये अवकाफ की ज़मीन है, ये शामिलात ज़मीन है, ये लोगों की ज़मीन है, ये वो ज़मीन है जो लोगों ने जब स्कूल जल गए तो लोगों ने महला कमेटी, अवकाफ कमेटी ने डिफरेंट कमेटियाँ बना के इन स्कूलों को कायम किया। अब आप इन स्कूलों को किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं, उसके साथ जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है फी फिक्सेशन एक्ट में, उस फी फिक्सेशन एक्ट के हिसाब से अगर वो अमेंडमेंट रहती है तो स्कूल चलाना एक क्रिमिनल एक्ट जैसा बन जाएगा। स्कूल चलाना कोई इज्जत वाला काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेनल क्लाज हैं, उसमें इतनी बंदिशें हैं
हद ये है कि उसमें कहा जाता है कि आप चलाओ, जोर से चलाओ, लेकिन हम गला दबा के रखेंगे। ये जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, तो इस तरह से हम जहाँ पे हमें उम्मीद है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव अफसर है, हमारी बात पे तवज्जो देंगे। गवर्नर जो इंतजामिया से भी हमें यकीन है कि वो हमारी मुश्किलात को समझेंगे। आखिरकार हम तालीम किन हालात में दे रहे हैं ये हम जानते हैं, तो लिहाजा इन हालात में ज़रूरत है कि सरकार हैंड होल्डिंग करे, नहीं तो स्कूल चलाना इतना मुश्किल हो रहा है कि लाखों बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। देखिए अभी पिछले सालों में ये NOCs के चक्कर में, ये स्टेट लैंड के चक्कर में जो स्कूलों को डिस्टर्ब किया गया, अब लिटरेसी रेट यहाँ 10% डाउन हो चुकी है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की रेट्स बढ़ चुकी हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, ड्रग्स और मंशियात इस वक्त आम हो रही हैं। वजह यह है कि स्कूलों का काम जो इखलाकियात, जो तालीम, जो मैनर्स, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना पे होना चाहिए, वो स्कूलों का आज जो अटेंशन है वो NOCs की तरफ, गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरफ और सरकार की इंटरफेरेंस की वजह दूसरी चीज़ों में बट रहा है, जिसकी वजह से स्कूल अपना कोर एकेडमिक काम जो है वो चलाने से कासर है। हमें बताइए वार साहब, स्टेट लैंड वाला मामला जो आपने कहा अभी, स्टेट लैंड के अलाटमेंट के दौरान एजुकेशन सेक्टर में कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पर उसको अलाट किया जाता था? देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का वाजह मानना है कि अगर आप किसी भी जगह सरकारी लैंड रिट्रीव करते हैं तो अगर उस पर अस्पताल है, स्कूल है, तो उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वाजह डायरेक्शन है। उसके साथ जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने खुद ही ऑर्डर निकाला होटल्स के ताल्लुक से, उस ऑर्डर में सरकार ने लिखा है कि हम होटल से लैंड रिट्रीव करेंगे, जो लीज लैंड है जिनका लीज खत्म हुआ है, वो लैंड हम अस्पतालों को, स्कूलों को या सोशल इंस्टीट्यूशन को दे देंगे। और इधर से स्कूलों को कह रहा है कि हम आपसे वापस लेंगे। नहीं, मगर टर्म्स एंड कंडीशन बताइए हमें उस वक्त, जब जिस वक्त मिला। उस वक्त यह था कि जैसे किसी गाँव में, शहर खास में, कहीं पर भी किसी कम्युनिटी ने, अवकाफ ने कहीं पर किसी को इजाज़त दी कि आप इस लैंड पे या इस मकान में स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, उसका सिंपली ये था कि आप इसमें फीस कम रखेंगे, गरीब बच्चों की का एडमिशन फ्री होना चाहिए और यतीम बच्चों का स्पेशल कंसेशन होना चाहिए जो आमतौर पे कमेटियां या अवकाफ करती है, ये वही स्कूल है। अब अगर इस दौरान कुछ लोगों ने खुद भी, जैसे क्या कि किसी जगह अवकाफ कमेटी से अप्रोच किया कि ये लैंड खाली है या बिल्डिंग खाली है, हम स्कूल चलाएँगे, तो अवकाफ कमेटी ने अलाउ किया, पंचायत से अलाउ किया। लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि आपका स्कूल 100 साल पुराना भी क्यों ना हो, आखिर सवाल सीधी बात है, अगर यहाँ पे 100 स्कूल हैं तो 40% स्कूल इसमें फलाही स्कूल हैं। जैसे इसी बारामूला पब्लिक स्कूल की बात कीजिए, या हनफिया जो स्कूल है, आपका कम्युनिटी के साथ चलने वाले स्कूल है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आमतौर पर जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमारे जहन में DPS आते हैं, तो हमारे जहन में कॉन्वेंट बर्नहाल आते हैं। देखिए वो स्कूल जो है वो एक अलग मामला है, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप मिशनरी स्कूल्स को ले लीजिए, उनके पीछे बाकायदा चर्च है, उनके पास फंडिंग है, वो फीस कम लें ज़्यादा लें हर एक जानता है कि उनकी फ़ी क्या है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल जिनने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है, आप देखें हमारे कितने कितने बड़े बड़े ग्रेट स्कूल जो आ रहे हैं, बहुत बड़े स्कूल आ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो अलग याद करता हूँ जो स्कूल इकॉनमी स्कूल हैं जिनकी फीस 1000, 1200, 1500, 2000 से कम है, मैं नहीं जा सकता था, जो DPS में नहीं जा सकता। आज अब देखिए रिजल्ट, अब रिजल्ट कहाँ क्या अच्छे, वो इन्हीं इकॉनमी स्कूलों के हैं। अब इनको रिवार्ड देने के बजाय उनको पनिश किया जा रहा है। और दूसरी बात जो अहम मामला मैं यहाँ आपके थ्रू हाईलाइट करना चाहूँगा, वो इन स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ का मामला है। आज भी हम मजबूर हैं अपने प्राइवेट स्कूल के टीचर को 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी देने का। मार्केट की डिमांड क्या है? 10,000, 12,000 में वो टीचर क्या करेगा जो रिजल्ट अच्छे देता है, जो इतनी मेहनत करता है? हम चाहते हैं कि इन उस्तादों की भी, टीचर्स की भी तनख्वाह वही होनी चाहिए जो सरकारी टीचर्स की। व्हाट्सएप सरकार का हुक्मनामा, सरकार की तरफ से जो हुक्मनामा सादर किया गया था कि एडमिशन फी जो है नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बिना रिसर्च के लिया जा रहा है, सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सवाल ये है, सरकार जब कोई कानून बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि ज़मीनी हकायक जहन में रखते हुए ऑर्डर्स इशू किए जाएँ। अब आप ड्राइंग रूम में बैठ के अमेंडमेंट करेंगे, कानून बनाएंगे, वो ज़मीन पे चलने वाले हैं? मैं मानता हूँ कि एक स्कूल की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए है, वो एडमिशन एक स्कूल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उतना नहीं ले सकता है। आखिरकार स्कूल पैसे कहाँ से लाएगा?
देखिए कोई सरकार की ग्रांट नहीं मिलती। हाँ 2001 तक सरकार की ग्रांट मिलती थी, 2001 के बाद सरकार ने ये ग्रांट बंद की। अब मुझे बताएं, यहाँ ही आप, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, यहाँ एक मिशनरी स्कूल है, जब मिनिस्टर साहब आ गए उसने रोड तक भी उसको दे दिया, लैंड भी कहा कितनी और आपको इसके एनेक्स करनी है। लेकिन अगर हमारा दूसरा स्कूल है उसको कहा जाता है कि आप ये NOC फिर वो NOC फिर आप ये वायलेशन कर रहे हैं वो वायलेशन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि रूल्स में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो कानून एक इकोनॉमी स्कूल के लिए है वो हर एक के लिए होना चाहिए। अगर बड़े स्कूल बिल्कुल इस हक में नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल से निकले, लेकिन अब क्या हालत होती है, कभी क्या होता है कि एक स्कूल में ऐसे हालात बन जाते हैं, डिफरेंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चे के घर के से लेकर स्कूल के माहौल तक हमें लगता है कि इस बच्चे को दिक्कत हो सकती है या वो माहौल नहीं बन पाएगा, एकेडमिक माहौल या कुछ दिक्कतें हैं, तो उसके लिए हमारे पास सलूशन ये रहता है कि इसको इस स्कूल के बजाय दूसरे स्कूल में दाखिल दिया जाए। ये नहीं कि उसकी तालीम रोकेंगे, उसके लिए हम कोशिश करते हैं, बल्कि उस वक्त हमने पेरेंट को ऑप्शन दी कि हम आपसे कोई एडमिशन फीस नहीं लेंगे, अगर लिया गया तो वापस कर देंगे, तालीम का कंप्रोमाइज़ नहीं, लेकिन एक एकेडमिक डिसिप्लिन का मामला है। देखिए अगर एक स्कूल में एक स्टूडेंट इनडिसिप्लिन करता है या उसका पेरेंट का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि स्कूल चेंज होने के बाद सिचुएशन बदलती है या उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बदलते हैं। वो सिर्फ एक रेमेडियल के तौर पर होता है, ये नहीं होता कि हम किसी बच्चे को स्कूल से निकाल। हालत चेंज हुई है, अभी जो NEP आ रही है, लोगों को NEP के बारे में कुछ मालूम है नहीं। NEP में एक अच्छी चीज़ जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं, वो है सेक्शन 8 SSA SSA कि स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। उसमें क्या है कि उसमें लर्निंग आउटकम बेसिड पर स्कूल को फैसिलिटी मिलेगी। अगर उसकी उसका लर्निंग आउटकम, देखिए स्कूल किस लिए है कि ये अच्छा अच्छी तालीम दे, अच्छे मैनर्स, अच्छी डेवलपमेंट बच्चे के करें। अगर स्कूल ने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी तो फीस का बहस करना न करना कोई माना नहीं। तो वो सारे ऑर्डर्स हाई कोर्ट में हैं जी, वो ऑर्डर चैलेंज है, मतलब तो फी लिया जाएगा, एडमिशन फी लिया जाएगा, वो सब जुडिस है, उसमें अब कोर्ट का जो डिसीजन होगा सीधी सी बात है, हम उस डिसीजन को मानेंगे। ये सबसे अहम बात आपने उठाई जो पूरी कौम को उठाना चाहिए, सिविल सोसाइटी को आना चाहिए कि सरकारी स्कूलों को की अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, वहाँ भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हम बार बार सरकार से कहते हैं कि ये सरकारी और प्राइवेट का मामला ख़त्म कीजिए। सिंपल सी बात यह है कि जो एक बच्चे पे खर्चा 11,500 रुपये का महीने का आप देते हैं सरकार, वो पेरेंट के अकाउंट में डालें, पेरेंट की अपनी मर्जी होगी किस स्कूल में बच्चे को डाले, अकाउंटेबिलिटी आएगी।